हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप देवनाथ और आज मैं बात करूंगा वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वर्डप्रेस को लोकल मशीन में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, तो आज मैं उसके ही आगे बात करूंगा कि इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे कहाँ से क्या ऑप्शन मिलता है, उस पर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, कंटेंट कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे जो साइट में इंस्टॉल किया था वहाँ पे मैं विज़िट कर रहा हूँ, ठीक है। लोकल में मैं इंस्टॉल किया था यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश माई डब्ल्यू पी साइट बोल के, तो ये है हम लोगों का साइट, ठीक है। तो अभी मैं इसके एडमिन में जाता हूँ। एडमिन पे जाने के लिए हम लोगों को रूट जो डोमेन रहेगा, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू पी एडमिन देना होगा। तो यहाँ पे लोकल होस्ट डब्ल्यू पी साइट जो है ये एक्चुअली मेरा रूट डोमेन है, मेरा साइट यहाँ पे ही दिखा रहा है। जैसे कि मानिए आपका साइट हुआ abc.com, ठीक है। abc.com में अगर आपको साइट दिखा रहा है आपका, तो उसके बाद क्या होगा, abc.com/wp-admin, ये होगा आपका URL एडमिन पैनल के लिए, ठीक है। तो मैं इसको एंटर किया। इसके बाद अभी यूज़र नेम देना होगा, तो यूज़र नेम दिए थे एडमिन और पासवर्ड रखे थे पासवर्ड, एंटर किया। तो अभी देखिए यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा देख लेते हैं। वेलकम टू वर्डप्रेस बता रहा है। तो यहाँ पे साइट को स्टार्ट करने के लिए, गेट स्टार्टिंग के लिए कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, तो मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ, वो एक्चुअली नहीं लगता है। उसके बाद देखिए एट ए ग्लांस यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, वन पोस्ट है, वन कॉमेंट है, वन पेज है, हम लोगों का वर्डप्रेस वर्जन क्या है, करंटली रनिंग क्या है और थीम कौन सा है, ये इंफॉर्मेशन। तो ये एक्चुअली एट ए ग्लांस जो है ये एक्चुअली हम लोगों का साइट का मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को लगता है। और यहाँ पे जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में देखिए यहाँ पे रिसेंट कॉमेंट्स बता रहा है, तो रिसेंटली आपके ब्लॉग पे कोई भी कॉमेंट कर रहा है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस वर्शन आपका रनिंग कौन सा है, ठीक है। और अगर कुछ अपडेट आता है तो वो उसका ऑप्शन भी आता है यहाँ पे। उसके बाद दिखाएगा कि गेट दिस वर्शन नेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस इवेंट न्यूज़ है, ये काम में नहीं लगता है तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑप्शन है, ठीक है। स्क्रीन ऑप्शन क्या है, हम लोग क्या क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है जैसे कि मैं अभी चाहता हूँ कि वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़ का ऑप्शन नहीं रहे, तो मैं इसको अनचेक कर दिया, अभी ये चला गया। तो ये मेरा डैशबोर्ड मेरे तरीके से अभी दिख रहा है, ठीक है। और ये डैशबोर्ड में आप चाहे तो कि ये एट ए ग्लांस और एक्टिविटी, ये दोनों चीज़ आप एक साथ देखना चाहेंगे तो आप इसको इस हिसाब से रख पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं जैसे चाहता हूँ वैसे उस हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ। तो अभी पोस्ट पे जाते हैं, पहले डैशबोर्ड हम लोगों का हो गया, पोस्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट जो है, पोस्ट एक्चुअली आपके ब्लॉग के आर्टिकल्स के लिए है, ठीक है। वर्डप्रेस जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ये शुरू हुआ था ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से, ठीक है। ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से शुरू हुआ था 2004 में, उसके बाद ये इवॉल्व होते होते धीरे धीरे ये अभी फुल ब्लोन CMS हो चुका है, ठीक है। जहाँ से किसी भी तरीके का आप एप्लीकेशन वेबसाइट बना सकते हैं इससे। तो ये अपना कोर फीचर अभी भी पकड़ा हुआ है, क्योंकि इसके लिए ये बहुत सारा यूज़फुल है, क्योंकि आप जानते होंगे कि एक्चुअली अभी
वर्ल्ड के 30% जो साइट है ऑल ओवर इंटरनेट पे, जितना भी साइट है उसका जो 30% है, वो 30% साइट अभी वर्डप्रेस के ऊपर चल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वर्डप्रेस के ऊपर इतना सारे साइट रन कर रहा है। तो वर्डप्रेस का ट्रस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस सिस्टम के ऊपर इतना ट्रस्ट है लोगों का। तो यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि आप सुनते होंगे कि वर्डप्रेस हैक होता है, वर्डप्रेस अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा होगा क्योंकि उसका डेवलपर जो डेवलप किया था, उसका यूज़र जो यूज़ कर रहा है वो ठीक से नहीं कर रहा है, या फिर वो जो सर्वर पे है वो सर्वर ठीक नहीं है। तो आप लोगों को जानना होगा कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए ये 30% साइट में यूज़ होता है। तो चलिए फिर से जो बात कर रहे थे वो बात करते हैं। तो पोस्ट में मैं था, तो पोस्ट क्या है, पोस्ट यहाँ पे सारे जो आपका आर्टिकल्स रहेगा वो दिखेगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्लिक किया, इसको न्यू पे ओपन किया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का एक पोस्ट है, तो ये पोस्ट दिखा रहा है। तो हम लोगों का साइट का अभी थीम, करंट थीम ये रन कर रहा है 2017, जो कि डिफ़ॉल्ट वेबसाइट इंस्टॉल के साथ आया था। तो वहाँ पे देखिए ऐसे दिखा रहा है। तो ये होता है आर्टिकल। यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन रहता है के साइट पे कोई भी विज़िट किया, उसके बाद विज़िट करके आपका आर्टिकल पढ़ने के बाद वहाँ पे आप कमेंट कर सकता है। उस कमेंट को आप ये कमेंट सेक्शन से अपडेट कर, अप्रूव कर सकते हैं, अप्रूव करना है अप्रूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बेसिकली आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए और चार ऑप्शन खुल चुका है। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट है, ऑल पोस्ट में ये टेबल के हिसाब से दिखाएगा, यहाँ पे जितना भी आपका रहेगा पोस्ट वो आता जाएगा। उसके बाद ऐड न्यू है, तो ऐड न्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट का टाइटल, तो मैं यहाँ पे दिया टेस्ट आर्टिकल, यहाँ पे हेलो दिस इज अ टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कैटेगरी दे रहा हूँ, टेस्ट कैटेगरी, ठीक है। आप टैग भी दे सकते हैं, माई टैग, ठीक है। और यहाँ पे आप एक इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इमेज दे देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली अभी राइट परमिशन नहीं है, तो मेरे मशीन पे ये मैक ओएस पे ऐसा होता है, फाइल का राइट पर रीड एंड राइट परमिशन देना पड़ता है। रीड परमिशन तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है सबके पास, राइट परमिशन देना पड़ता है। तो राइट परमिशन देने के बाद होगा, तो अभी टेक्स्ट से ही करते हैं। तो मैं इसको पब्लिश किया, अभी हेलो वर्ल्ड था, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हेलो वर्ल्ड के पेज में ही है हम लोग, लेकिन यहाँ पे साइट पर में ये साइट पे जो बता रहा है, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट पोस्ट पे देखिए टेस्ट आर्टिकल हम लोगों का ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, तो अभी देखिए टेस्ट आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था, मेरा आर्टिकल, मेरा कैटेगरी टैग और कमेंट, पूरा डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसको पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज हैं, जो भी कैटेगरीज वहाँ से ऐड किए थे और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। टैग से आप यहाँ पे देख पाएंगे, मीडिया, ये मीडिया लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप फोटोज़ फाइल्स वगैरह आप अपलोड करके रख सकते हैं, एक जगह पे मैनेज होता है। यहाँ पे आपके साइट के पूरा जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेजेस पे, पेजेस पे क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल पेज क्रिएट हुआ हुआ है, और यहाँ पे अभी GDPR के लिए प्राइवेसी पॉलिसी भी वर्डप्रेस ऐड कर चुका है, ठीक है। क्योंकि हर एक साइट पे अभी GDPR के लिए प्राइवेसी पॉलिसी देना मैंडेटरी है। GDPR बेसिकली यूरोपियन कंट्री के लिए, तो वो अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल पेज
अगर पेज विज़िट करते हैं तो मैं पेज विज़िट किया यहाँ पे, तो ये देखिए सैम्पल पेज। यहाँ पे पेज पे क्या होगा, पेज पे कमेंट का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, कमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे कि पेज होता है आप कंपनी का, जैसे कि कंपनी साइट का रहता है अबाउट पेज, सर्विसेज, गैलरीज, कॉन्टैक्ट, ये जैसे पेजेस होते हैं वहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन ब्लॉगिंग का जो रहता है, आर्टिकल पोस्ट होता है, वो आर्टिकल में कमेंट का ऑप्शन रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एंगेजमेंट होगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिटी एक बिल्डअप होगा ब्लॉगिंग के थ्रू। लेकिन पेज के थ्रू आप अपना इंफॉर्मेशन सिर्फ शेयर कर रहे हैं, आप नहीं चाहेंगे कि वो कमेंट दे पेज पे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये पेज और पोस्ट का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे भी ऐड न्यू का ऑप्शन है, ऐड न्यू से ऐड न्यू कर सकते हैं पेज। इसका भी लेआउट आप देखेंगे तो सेम ही है, यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, पेज टाइटल आप दिए, यहाँ पे आप पेज कंटेंट दे सकते हैं, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ वगैरह, हेडिंग, ठीक है, ये आप सेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल आप जैसे कि वर्ड में आप करते हैं तो उस हिसाब से ही ये है, ठीक है। तो मैं अभी इसको पब्लिश किया, तो पब्लिश करने के बाद व्यू पेज करते हैं। यहाँ पे देखिए पेज कंटेंट, टेस्ट कंटेंट, माय पेज, ठीक है। तो मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे माय पेज का पेज कंटेंट पे आ गए। तो ऐसे आप पेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं कमेंट्स पे गया, यहाँ पे देखिए आपका जो भी कमेंट्स है रिसेंट, वो कमेंट आप यहाँ पे देख पाएंगे, उसको अप्रूव करना। यहाँ पे जैसे कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल के साथ आया था, तो ये अप्रूव हुआ था पहले, तो इसको आप चाहे तो अनअप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अनअप्रूव किया। तो यहाँ पे देखिए एक कमेंट आया है, उसका नोटिफिकेशन दिखाएगा यहाँ पे, वो नोटिफिकेशन देख के आप यहाँ पे आके इसको देख के अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करके आपके उसके बाद रिप्लाई कर सकते हैं, इसको एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और स्पैम में भी डाल सकते हैं कि अगर कोई फालतू का कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखा है, ठीक है, जो कि कुछ मीनिंग नहीं है आपके आर्टिकल के साथ, तो वो जाता है स्पैम में, तो आप उसको भी नोटिफाई कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि इसको डिलीट कर दे पूरा, तो ट्रैश पे क्लिक करिए तो ये डिलीट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपियरेंसेस है, यूजर्स है, टूल्स है। तो यहाँ के जो ऊपर का पोर्शन था ये बेसिकली कंटेंट रिलेटेड था, ठीक है, और यहाँ पे नीचे का जो रहेगा ये रहेगा साइट के सेटिंग्स रिलेटेड, ठीक है। तो कैसे, तो वो देखते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स है लेकिन यहाँ पे अपियरेंस है, तो ये पूरा ही मैं बोल रहा हूँ कि सेटिंग्स है, तो वो कैसे देखते हैं। तो अपियरेंस पे पहले जब क्लिक करते हैं, अपियरेंस के पहला ही ऑप्शन जो था अपियरेंस के अंदर में, वो था थीम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स आता है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के साथ 2015, 2016, 2017 ये सारे थीम आता है, ठीक है, हर एक साल में ये अपना डिफ़ॉल्ट थीम आता रहता है। तो यहाँ पे अभी भी लास्ट डिफ़ॉल्ट थीम है 2017 जो कि यहाँ पे एक्टिव है। अगर हम लोग चाहे कि दूसरा चेंज करना तो दूसरा एक्टिव कर दिए। तो अभी देखिए अभी यहाँ पे सैम्पल पेज पे विजिट था हम लोगों का, तो मैं क्लिक किया तो देखिए ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है पूरा चीज़। अभी कुछ देर पहले थीम के लिए क्या था, एक दूसरा साइट था हिसाब से कि दूसरा डिज़ाइन कुछ दिखा रहा था, अभी तुरंत ये कुछ नया डिज़ाइन हो चुका थीम चेंज करने के बाद ही। और फ्रंट पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से थीम में जाके हम लोग अपना थीम चेंज कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे बहुत सारा थीम अवेलेबल है मार्केट पे फ्री में, ठीक है।
तो यहाँ पे आप डिटेल्स प्रीव्यू करके आप कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको कैसे प्रीव्यू होगा। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है, तो आप देख के कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइज़, कस्टमाइज़ जैसे कि कस्टमाइज़ का ऑप्शन यहाँ पे क्या है, कुछ थीम में रहता है कि कस्टमाइज़ कर सके कंटेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे इजीली आप कर सकते हैं विजुअलाइज करके, तो ये एक अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे आप विजुअलाइज कर पाएंगे और उसके बाद देखने के साथ साथ उसको अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कस्टमाइज हो चुका। विजेट्स, विजेट्स क्या है, विजेट्स एरिया, विजेट्स एरिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, साइट में विजिट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो साइट में जो है, यहाँ पे देखिए कुछ सेक्शंस है, यहाँ पे सर्च पहले ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे रिसेंट पोस्ट एक सेक्शन है, रिसेंट कमेंट सेक्शन है, आर्काइव सेक्शन है, तो ऐसे बहुत सारा सेक्शंस दिया हुआ है। तो वो सारे सेक्शंस आता है विजेट्स के हिसाब से। ठीक है, विजेट्स जैसे हम लोग ऐड करेंगे उस हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि सर्च को मैं रिसेंट पोस्ट के नीचे कर दिया, अभी देखिए अभी मैं रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए रिसेंट पोस्ट, उसके बाद सर्च आ चुका है। तो ये क्या है, हम लोग हर एक सेक्शन को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं, और अगर हम लोग चाहे कि कुछ सेक्शन को डिलीट भी करना तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी सर्च ऑप्शन चल गया। तो यहाँ पे विजेट्स क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल विजेट्स, तो यहाँ पे इतने सारे विजेट्स आपका अवेलेबल है, ऐसे यहाँ से देख के आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कैलेंडर देखिए मेरे साइट पे, तो मैं कैलेंडर ऐड किया, अभी देखिए यहाँ पे मेरा कैलेंडर भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इतना अच्छा आपका यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अभी मेनूज, ये मेनू क्या होगा, मेनू आपका अब जैसे जानते हैं कि साइट का मेनू रहता है। ठीक है, और नेविगेट करने के लिए तो यहाँ पे मेनू, मेनू पे मैं आके एक मेनू क्रिएट किया, प्राइमरी मेनू के नाम दिया, उसके बाद उसको मैं असाइन किया प्राइमरी मेनू लोकेशन में। ठीक है, यहाँ पे मैं असाइन किया प्राइमरी मेनू पे, यहाँ पे मैं कुछ जो पेजेस है ये पेजेस को मैं ऐड किया। पेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं चेक मार्क देके, उसके बाद ऐड टू मेनू यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको सेव किया। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ पे दिखाएगा इसको, देखिए अभी इसको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये बेसिकली ये थीम एक दूसरा टाइप का है, तो इसलिए ये साइट पे मेनू दिखा रहा है। मैं करता हूँ, मैं थीम को चेंज करता हूँ, मैं 2016 वाला थीम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे, ये देखिए मेनू के हिसाब से है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मेनूज है, या ये देखिए अभी विजेट एरिया आपके राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग प्लेसिंग किए थे उसी हिसाब से है। तो अभी मेनूज हो गया। ठीक है, अब हेडर है। ठीक है, हेडर में क्या होगा, आप हेडर इमेज कुछ देना है तो वो दे सकते हैं। ठीक है, वो सारे ऑप्शन है यहाँ पे। बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड का कुछ भी इमेज देना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है। तो ये सारे कस्टमाइजर का ही ऑप्शन है। तो ये दो तीन चीज़, ये एडिटर जो है, ये एडिटर मैं बोलूँगा कि आप ना ही जाएँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे बताएगा कि आप थीम के फाइल में डायरेक्टली एडिट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका स्क्रिप्ट फाइल्स एडिट होगा, तो वो एडिट ना ही करे तो बेहतर है। तो गो बैक पे क्लिक करना ही बेहतर रहेगा। तो ये नीचे का तीन ऑप्शन उतना खास नहीं है, और ख़ासकर ये एडिटर में
जाना नहीं है, क्योंकि आप एडिटर में जाके कुछ भी इधर उधर हो चुका तो आपका साइट पूरा ही आप बिगड़ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं प्लगइन्स पे। प्लगइन्स जैसे कि पहले हम लोग देखे थे कि यहाँ पे प्लगइन्स पे जैसे होता है, प्लगइन्स पे यहाँ पे कुछ भी आप साइट पे फीचर्स लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि थीम्स पे हम लोग क्या देखे थे, थीम्स पे हम लोग अपने साइट के लेआउट को पूरा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लगइन्स क्या होता है, प्लगइन्स मेनली फीचर्स के लिए होता है। ठीक है, तो फीचर्स कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे ऐड न्यू ऐड प्लगइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए थीम्स पे जैसे देखे थे हम लोग, बहुत सारा थीम्स अवेलेबल है मार्केट पे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे प्लगइन्स भी बहुत सारा अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी टाइप का प्लगइन सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल है, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ये भी प्लगइन 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉल है। ठीक है, तो इतने सारे एक्टिव इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मतलब इतने सारे साइट पे ये चल रहा है करंटली। तो ऐसे करके आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन्स, और प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिव करके आप अपने साइट पे वो फीचर्स ला पाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि क्या फीचर लाएगा। ठीक है, और भी आप इसके बारे में, किसी भी प्लगइन्स के बारे में, वो मोर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखाएगा, तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र्स, तो यूज़र्स में यहाँ पे आप यूज़र असाइन कर सकते हैं आपके साइट के लिए, जहाँ जो आपका कंटेंट अपडेट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतने सारे यूज़र्स के यूज़र्स रोल क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे रोल असाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करके कर सकते हैं आप, योर प्रोफाइल जो है ये एक्चुअली आपका प्रोफाइल होगा, यहाँ पे आके आप अपना प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग साइट पे रहता है कि ऑथर का डिटेल्स दिखाता है आर्टिकल्स के नीचे, आर्टिकल के साथ। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना तब अच्छा रहता है, वो इंफॉर्मेशन आपको दिखता है। तो टूल्स पे ये बहुत सारे टूल्स हैं जो कि माइग्रेशन के लिए काम आता है, तो ये चीज़ अभी ना ही जाने तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। और ये सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स पे आके आप जैसे कि आप साइट इंस्टॉल करते समय, जैसे कि हम लोग देखे थे कि इंस्टॉल करते समय साइट का नेम दिए थे, तो वो आपका साइट टाइटल हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप टैगलाइन दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप रजिस्टर का ऑप्शन दे सकते हैं आपके साइट में, एनीवन कैन रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर होगा जो बाहर से, उसका आप डिफ़ॉल्ट रोल क्या रखेंगे वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो अब सेट करिए। उसके बाद साइट का लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे साइट लैंग्वेज बता रहा है, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर हुआ, साइट लैंग्वेज, अभी टाइम जोन। ठीक है, आपके साइट, आप जहाँ पे आपका ऑडियंस रहेगा, आप जहाँ से मैनेज कर रहे हैं उस हिसाब से आप टाइम जोन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जैसे कि ये रहेगा टाइम जोन, मैं दे दिया डेट फॉर्मेट, आप जो भी चाहे उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, टाइम, वीकली, वीक स्टार्ट ऑन, तो इस हिसाब से इसको अप करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी ये सारे एडवांस फीचर्स हैं, तो ये सारे एडवांस फीचर्स को मैं बोलूँगा कि आप अगर शुरू कर रहे हैं तो एडवांस फीचर्स में ज़्यादा ना ही देखिए तो बेहतर रहेगा। ये सेटिंग्स के आप जनरल इन्फॉर्मेशन में आके ये जनरल इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करिए अपने हिसाब से, अपना टाइम जोन दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो छोड़ दीजिए, कि किसी को रजिस्टर करने ना दीजिए,
क्योंकि वहाँ से बहुत सारा स्पैम भी आता है, तो रजिस्टर ना ही हो बाहर से तो ही अच्छा। यहाँ से आके आप वो टैग लाइन ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? ये टैग लाइन और ये आपका टाइम जोन आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट भी आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यही है हम लोगों का, तो यही है वर्डप्रेस एडमिन पैनल का ओवरव्यू, यही है। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प हुआ इससे तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट पे बताइए, मैं उसका सलूशन दूंगा कमेंट पे। उसके बाद आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे भी और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू।